शेख मेरा सवाल है कि जब कोई औरत दूध पीती बच्ची को गोद में लेके नमाज पढ़ती है और कभी किसी छोटे बच्चे दूध पीते बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ती है, अगर वो दोनों अगर दोनों पेशाब करते हैं अलग अलग बात बता रहा हूँ, तो दोनों के लिए हुक्म क्या होगा? देखिए बच्ची का और बच्चे का दोनों का पेशाब नापाक है। अब जब वो गोद में लेकर के नमाज पढ़ रही है चाहे बच्ची को या बच्चे को, जब उसने उस औरत के ऊपर पेशाब कर दिया तो वो औरत का कपड़ा नापाक हो गया, उसके उसका जिस्म उसका कपड़ा नापाक हो गया। अब नमाज से निकलना उसके लिए जरूरी है क्योंकि नजासत के साथ आप नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज को छोड़ देना, नमाज से निकल जाना अब आपके ऊपर वाजिब हो गया क्योंकि नजासत को साथ में लेकर के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। कपड़े का पाक होना, आपके जिस्म का पाक होना नजासत से, ये नमाज की सेहत के लिए शर्त है। लिहाजा आप नमाज दरमियान में छोड़ दें, जाएं अपना कपड़ा उपड़ा साफ करें, उसके बाद दोबारा नमाज पढ़ें वजू करके। जी वजू तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, वजू अगर आपका वजू नहीं टूटा है, नजासत लगने से वजू नहीं टूटेगा, उसको आप धो लीजिए, कपड़े में लगा है उसको धो लीजिए, जिस्म में लगा है उसको धो लीजिए, बाकी आपका वजू बरकरार है। अगर कोई और चीज नहीं हुई है वजू टूटने वाली तो आपका वजू नहीं टूटेगा, वजू आपका बाकी रहेगा। तो एक आपने बताया था कि जब बच्चा पेशाब करता है छोटा बच्चा, तो उससे तो सिर्फ छींटा मार जाता तब भी नापाक होगा, तो क्या अभी मैंने कोई ऐसी बात कही है जिससे पहली बात की मुखालफत हो रही है? मैंने जी देखिए, अगर छोटा दूध पीता बच्चा है, अगर लड़का है तो उसके पेशाब पर छींटा मारेंगे, उसको साफ करने का तरीका छींटा मारना है। अगर बच्ची है तो उसके पेशाब को धोना है,